हेलो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट की इंक्वायरी आती है मेरे पास कि सर थ्योरी पेपर को कैसे तैयार करें। तो आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ थ्योरी पेपर के लिए। उसको अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू हैव अ ग्रेट कमांड ओवर थ्योरी पेपर। नंबर वन, मेक नोट्स टू रिवाइज लेटर। छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए ताकि आप बाद में उनको रिवाइज कर सकें। नंबर टू, रीड कंसेप्ट केयरफुली फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। थ्योरी पेपर है, लॉ है, ऑडिट है, उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एग्जाम में दिक्कत आएगी क्योंकि वहां केस स्टडी पैटर्न आता है। नेक्स्ट, लर्न राइट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। याद करिए, लिख के देखिए, रिवाइज करिए। बार बार याद करेंगे, लिख के देखेंगे, चीज पक्की होती जाएगी। पहली बार करेंगे 20% याद रहेगा, दूसरी बार करेंगे 40% याद रहेगा। जैसे जैसे बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो याद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और भूलने की मात्रा कम होती चली जाएगी। उसके बाद एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो भी सीखिए आप। लर्न टू प्रेजेंट आंसर इन एग्जाम। इसके लिए आपको सजेस्टेड आंसर करने होंगे, स्कैनर करना होगा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करने होंगे। और कुछ क्वेश्चन अगर आपको मेरे से चाहिए पर्टिकुलरली लॉ ऑडिट में तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। निमोनिक्स का यूज आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस पास्ट एग्जाम पेपर्स, पास्ट एग्जाम पेपर्स की प्रैक्टिस करें और चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहें। ऑल द बेस्ट। God bless you.